दोस्तों, मेरा नाम है सिरभजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेक कैस के। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि रियलमी C20 में आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल साउंड के साथ। तो चलिए दोस्तों, आप बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले ऊपर से नीचे को स्क्रॉल करना है और एक बार फिर से यहाँ पर आपको ऑप्शन ढूंढ लेनी है स्क्रीन रिकॉर्डिंग की। आप देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है स्क्रीन रिकॉर्डिंग की। अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलती तो आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर ढूंढ लेनी है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऑप्शन। आपको फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर हम ऑप्शन कोई भी, मतलब फॉर एग्जांपल आपको करता हूँ, ये मैं ऐसे यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके ऐसे ऊपर सेट कर दूंगा तो ये ऑप्शन आ जाएगी, और बैक कर देंगे तो ये ऑप्शन आ जाएंगी। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगी, आपको फ़िलहाल शो नहीं हो रही होगी, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगी आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने की, रेड कलर का डॉट और नीचे सेटिंग्स और ये क्रॉस का निशान। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहीं पर आपको स्टॉप के ऑप्शन भी मिल जाएगी, तो आप उस पर क्लिक करके स्टॉप कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसकी सेटिंग्स कर देता हूँ। सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, इसके बाद एडिशनल सेटिंग्स पर आएंगे और इसके बाद आप देखते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इस पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आप देखते हैं। अगर दोस्तों आपको सिस्टम साउंड, मतलब इंटरनल साउंड के साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, तो आपको इस पर यहाँ से इसे ऑन कर देना है। अगर आपको एक्सटर्नल या फिर माइक के साथ रिकॉर्डिंग करनी है, तो आपको इस पर क्लिक करना है दूसरी वाली ऑप्शन पर। हम देखते हैं ये वाली ऑप्शन पर, तो वैसे आपको यहाँ पर सेटिंग्स कर लेनी है। हम देखते हैं वीडियो रेजोल्यूशन, आप वो भी सेट कर सकते हैं यहाँ से, फ्रंट कैमरा चाहिए या फिर टचेस शो हो या फिर नहीं, आप अपने हिसाब से सेटिंग्स कर सकते हैं।